इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वैसे अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और आज हम लोग आए हैं. आज हमारा ब्लॉग चालू हो रहा है 4:30 से. शट अप. तो बताना पड़ता है यार. एक पीतमपुरा जो M2K है वहीं पे एक नई बिल्डिंग में मैक्स खुला है. मैक्स का स्टोर खुला है. तो मैक्स मुझे तो वैसे ही बहुत पसंद है क्योंकि चीप एंड बेस्ट होता है मैक्स. और हम लोग बहुत सारे मैक्स होके आए हुए हैं बट स्टिल ये मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा था और बहुत ज्यादा ह्यूज लग रहा था. तो मैंने सोचा कि चलो एक बार चेकआउट मारते हैं एक बार ये वाला आउटलेट को विंटर जो है वो एक बार चेकआउट मारते हैं कि क्या अच्छा आउटफिट मिल रहा है. देखो आपने इतनी सारी वीडियोस देखे तो उसमें आपको पता ही है कि सोनिका मैम सिर्फ चेकआउट ही मार दिए, लेती कुछ नहीं है. देखो क्या होता है, सस्ता टिकाऊ वाला माल है. सस्ता टिकाऊ ही ले लो आप, मैक्स में तो सारा सस्ता मिलता है. क्या होता है, पसंद आना चाहिए. हाँ, अच्छा पसंद मैं करवा देती हूँ. 200-250 रुपए भाई हम तो इतना ही ले सकते हैं, सीधी सी बात है. हम याद है ना एक बार हम वहाँ पे गए थे, कौन सी मार्केट गए थे, रानीबाग मार्केट. हाँ वहाँ से 110 रुपए का बस स्लिंग बैग लिया था और कुछ भी नहीं. ये रहा लेके आई है आज. चलो चलते हैं मैक्स, चलते हैं और देखते हैं कैसा है मैक्स और कलेक्शन. बाय बाय. नो अदर वर्क टू डू. फटाफट आओ. देखो 10 तक काउंटिंग आऊंगी, आप ऊपर मिलना. 1 यही है, जल्दी जल्दी 1 जल्दी भागना. 1 2 3 मैं दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 भाई मैंने इतनी सारी तो माइनस भी कर दी. वीडियो में ना यही आए क्योंकि खुद तो वीडियो बनाती नहीं. चलो चले गाइस, इनको बोल दो कभी ये भी वीडियो बना ले. कभी मैं बनाती हूं. आज मैं वीडियो बनाती हूं. आती है बनानी, सब कुछ आता है हमें. चलिए देखते हैं मैक्स पहले. कुछ कुछ दिखने से तो अच्छा लग रहा है. चलिए अंदर चलो. अंदर चलो. ओके वापस घर जा रहे हैं क्योंकि घर वालों को चाहिए स्कूटी. बहुत परेशान कर रखे, इनकी शक्ल उतर चुकी है. जल्दी आओ. मुश्किल से बड़ी मुश्किल से घर के पास वाले स्टोर्स पे आने का यही होता है. मार रही है मेरे को क्योंकि बता रहा नहीं था कि हम घर के पास आए हैं. सबको पता है हम पीतमपुरा रहते हैं. तो हम अभी वापस गए थे, उसमें इन्होंने नेल एक्सटेंशंस कराई हैं. नेल्स दिखाओ बेटा, ढंग से दिखाओ, दिख नहीं रही. हाँ अब दिखाओ कैसी लग रही है, कितने रुपए की करवाई है. This is a जादू. And see, my nail is coming out. 50 रुपीस की इन्होंने करवाया नेल एक्सटेंशंस. कैन यू बिलीव. अब हम वापस मैक्स घुस रहे हैं. मुझे एक शूज बहुत पसंद आए हैं बट वो 1500 के हैं और कोई मुझे गिफ्ट नहीं कर रहा. मैं सोच रही हूँ मम्मी से तो मैंने बोल दिया था. मैं सोच रही हूँ टीचर जी को बोलूँ कि वो मेरे को गिफ्ट करें. ये देखिए ये नेल्स जुड़ने की कोशिश जो कि जुड़ नहीं रहे हैं. ग्लू का हाल बहुत बुरा हो चुका है. मैंने इनको बोला था कि 50 रुपीज़ वाले नेल्स मत लो, 1000 रुपीज़ लगा दो नेल्स में, पर नहीं. उसका पेयर पसंद आया है वो ये है और ये 1500 के हैं जो कि पैसे बिल्कुल भी नहीं है. कोई मेरे को दिलवाएगा भी नहीं, पता नहीं. अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं किसको पकड़ूँगी कोई मेरे को दिलवा दे. मेरे माइंड में मेरी टीचर जी आ रही हैं बट वो आजकल बहुत ज़्यादा बिजी है तो वो भी नहीं दिलवाएंगी. अब समझ नहीं आ रहा मैं किसको बोलूँ कि कोई मुझे ये शूज़ दिलवा दे. तो आप क्यों आते हो. दिस इज लुकिंग नाइस, दिस इज लुकिंग नाइस, दिस इज लुकिंग नाइस. जब लेना नहीं होता तो हर चीज़ तो नाइस लगेगी लगेगी ना. लोगे तभी तो कुछ होगा. हाँ बस मेरे को शट अप कर लो. समवॉट यूनिक एंड नाइस मे बी डेफिनेटली माई स्टाफ. देखिए इनको लेना है या नहीं लेना. बहुत अच्छा
लेना वेना होता नहीं है इनको, बस आ जाते हैं शॉपिंग करने, कुछ भी नहीं लेना है इनको। और देखना पहनते ही बोल देंगी ये कि स्कूल के शूज़ तो नहीं लग रहे, ये लो ये देखो, ये बोल दिया इन्होंने स्कूल के शूज़ तो नहीं लग, क्या बोला था फ्रेंड्स मैंने आपको, इनके पास हज़ार बहाने हैं ना लेने के। वैसे आएंगे आपके पास पैसे नहीं बाबू, कोई बात नहीं, हमने देख लिया देखो तो कैसे ठीक है, हम कर लेंगे। ये सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए आती है दीक्षा जी, आपको पसंद है मेरे को दिलवा दो अपनी बहन को। फाइनली हम मैक्स पे, शट अप, हमें मतलब मैक्स पे हमें मैक्स पे कुछ नहीं अच्छा लगा है, मतलब कलेक्शन बहुत अच्छी नहीं थी और जो थी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। अभी फ्रैंक गाइस कि हम लोग जो हैं वो पैसे नहीं लेके आए थे, मैं तो पैसे लाई हूँ बट मैं सिर्फ 750 रुपीज़ लाई थी, तो मुझे 1500 के सो सॉरी। सो हमने जो है अपना प्लान जो है वो ड्रॉप कर दिया, अब हम नेक्स्ट उसमें रहन दो यार, मैंने ना इनके साथ ना शॉपिंग पे कभी नहीं आना है, कुछ ना दिलवाती ना लेती यार, पैसे भी धोने चाहिए ना। और मैं जब जाती हूँ ना मैं उसे यार ये फोकस क्यों नहीं कर रहा, फोकस तो कर रहा है, डार्क क्यों आ रहा है, क्योंकि ब्राइटनेस कम है फ़ोन की। अच्छा तुम्हारी ब्राइटनेस कम है, मेरी नहीं मेरे फ़ोन की। सी अभी तो हम यहीं पर मैक्स के आस पास ही टफरियाँ मार रहे हैं, झूला झूलने चले कहाँ पे, यहीं पे पास में झूला झूलते हैं ना, है यहाँ पे गोरे आ रहे हैं, यहाँ पे सारी मीडिया सही बनाते हैं गाइस, इन्होंने ना सारा ट्राई भी कर लिया, सब कुछ करें, लास्ट में कार्ड बोलता थैंक यू मैम, और मैं ऐसी थी मन में थैंक यू क्यों बोल रही हूँ, ये हमेशा ना इसकी जो होता है इसकी वजह से होता है। अच्छा आई एम डन, पूरी वीडियो देख रहे हैं इसने क्या किया है, मैंने क्या किया है, सच्ची सच्ची बता बताओ, थॉट की कुछ हो गया, लेट्स ईट समथिंग, कुछ ऐसा बताओ जो 10-20 रुपीस में आ जाए, बस पैसे नहीं है। आई थिंक हम लोग सोच रहे थे एक मोमोज चैलेंज करने की, वो 10-20 रुपीस में आते हैं बट आप तो खाओगे नहीं ना। बिना पैसों की जो कोई चीज आती हो, 760 रुपीस बात बताओ, इस टाइम भंडारा मिलता नहीं, यार मजाक नहीं बता, मैं कुछ खाते कहीं पे 10-20 रुपीस का मिला, यार देखो देख भंडारा भंडारा मिलता है तो कहीं चल भंडारा खाने चलते हैं। गाइस टाइम जो है वो लेट हो चुका है, आई थिंक टाइम लेट हो चुका है, अच्छा टाइम तो वही है, लेट नहीं हुआ, हम लेट हो चुके हैं, पौने छः हो गए हैं, पौने छः, यस हमारी स्कूटी आनी खड़ी, ओह सॉरी, हाय स्कूटी, आई थिंक वी शुड चेक आउट दिस चुनमुन आल्सो, आर यू मैड, नो आई वोंट बी गोइंग, जस्ट कीप मूविंग, ओके अब हम स्कूटी पे बैठने वाले हैं, या दिस इज आवर स्कूटी, अब कहाँ चलना है, कुछ खाने पीने चलना है तो आई कैन गो, पनीर टिक्का चलते हैं, आई वोंट, ये भैया के पास ना बैलून है, ज़्यादा बोलूँगी मैं तो मच्छर आ रहे हैं, स्मेल आ रही है बाल में से इसके, गाइस लौट के बुद्धू घर को आए, अब हम जा रहे हैं घर की ओर, हाय क्या लेके आए हो आप, घर ये खिलाओ मेरे को, क्या लेके आए हो आप, लेके हम कुछ भी नहीं आए, फ्रेंड्स लग रही थी पैसे आपको बताई थी, फ्रेंड्स आप प्लीज कोई पैसे हमने आपको बताई दिया था, खानी
ये आके ये खाइए घर पे पड़ी थी। फ्रेंड मैं आपको बता दिया कोई मेरे को 1500 रुपीज ट्रांसफर कर दो तो मैं जूते ले आऊँ। नहीं कोई कर सकता था, मेरा बर्थडे भी आने वाला है। ओ अभी अप्रैल में है, बर्थडे आने वाला है। मेरे पति का आने वाला है जनवरी में, तो उनके नाम का गिफ्ट अगर आप मुझे दे दो। ऐसा करो उनके नाम का ले लो, माय स्वीट मॉम के नाम का। अभी नवंबर में ही है, 26 नवंबर। हाँ अगर देखो राखी जी का बर्थडे आने वाला है 26 नवंबर का। 11 प्रो चाहिए, आईफोन 11 प्रो चाहिए। फ्रेंड्स हम आपको एक पेटीएम नंबर देंगे आपको भी पता है कि हम कोई शॉपिंग नहीं करते, बट हम यही ऐसे। चलो बाय।